जब से मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया है, YouTube पे चैनल स्टार्ट किया है, जब से वीडियोस बनाती हूँ, तब से मेरी ख्वाहिश है, मतलब अभी जब खुलने भी नहीं आ रहा था जब मैं पहनूंगी तब कैसे करेंगे ये। रात को मैं अपने लिए शॉपिंग करती हूँ। हाँ जी गाइस, मैं रात को अपने लिए शॉपिंग करती हूँ, ठीक है। मैंने ना पहली बार मैंने मीशो पे इस जो ये मांगती का है ना, इसके लिए मैंने शिपिंग चार्ज दिया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक मीशो हॉल। और ये जो मीशो हॉल है, ये है ज्वेलरी मीशो हॉल, जिसमें मैं आप लोगों को ज्वेलरी दिखाऊंगी और बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी है सारी। अच्छा, इससे पहले भी मैंने एक मीशो हॉल शेयर किया है, वो है क्लॉथिंग हॉल। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। और गाइस, अच्छा ये जो आप कुर्ता देख रहे हो, ये भी उसी हॉल में मैंने दिखाया था आप लोगों को, बहुत ब्यूटीफुल कुर्ता है। तो इसका भी कोड मैं आप लोगों को दे दूंगी नीचे, ठीक है। स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहली ज्वेलरी जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है ये, और ये जो है सिल्वर नेकलेस है, इसके साथ इयररिंग्स भी है, और इसके साथ मैंने मेकअप लुक भी कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो मेकअप लुक नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, कोशिश करूंगी कि मैं दे दूं, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, इसके इयररिंग्स हैं अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल वाले इयररिंग्स हैं ये गाइस, बहुत अच्छे वाले इयररिंग्स हैं। और ये जो नेकलेस है, पहनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सिल्वर ज्वेलरी है, इसको सिल्वर ज्वेलरी बोलते हैं। और आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी है गाइस, ये देखिए, है ना अमेजिंग। और इसको पहनने के बाद ना गाइस, ओ माय गॉड, मतलब पूरा नेक आपका बिल्कुल कवर हो जाता है इसके साथ, पूरा नेक कवर हो जाता है। और बिल्कुल सिल्वर ज्वेलरी है, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए, ये एकदम कुछ फिश या डक है शायद, डक वगैरह है कुछ, और मोर टाइप का बना है शायद, है ना। देखिए, ये मोर टाइप का बना है, बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी है गाइस। और इसका प्राइस ना, अच्छा मुझे किसी के प्राइस याद नहीं है, तो आपको ना सबके प्राइस और पिक स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिखी जाएंगे, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। और अपने, मेरे को इतना याद है कि हाँ, ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। तो ये ज्वेलरी है फर्स्ट, अमेजिंग ज्वेलरी है। और अगर आप चाहो तो विदाउट नेकलेस भी इस इयररिंग्स को कैरी कर सकते हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज करना तो भूल ही गई, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है अब तक, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने यहाँ दे रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप लोग प्लीज 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 इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और वहां पे मैं रील्स भी बनाती हूँ गाइस, और इतने बुरे नहीं बनाती कि आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, तो मतलब अच्छे खासे बना लेती हूँ। तो प्लीज, अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए। ये जो आप ज्वेलरी देख रहे हो ना, ये मुझे ऐसे ही बॉक्स में मिली थी, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल, ये क्या है, जो चेन वगैरह रहती है ना, ये वो चीज़ है, चेन है ये, और बहुत ही अच्छा वाला चेन है, जो आजकल बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है ये, जिसको देखो वो ये चीज पहना हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मंगा लूं, फिर इसको जब सभी ट्राई कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ, है ना। तो गाइस, ये देखिए कुछ ऐसा वाला ये चेन है, और ये देखिए कुछ इस तरीके से वाला ये, है ना, ये बहुत चल रहा है ना अभी गाइस, बहुत चल रहा है। और इसमें मैंने ना ये दो मंगाए, एक गोल्डन में एक सिल्वर में है, गोल्डन में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अभी। तो ये देखिए सिल्वर वाला, आप जब पहन लोगे तो लुक अमेजिंग आता है। अच्छा, ये ज्यादातर पता है किस पे अच्छे लगते हैं, ये वेस्टर्न ड्रेस पे ज्यादा अच्छी लगती है ये सारी चीजें, पता है, वेस्टर्न ड्रेस के लिए ज्यादा मतलब अच्छा वाला है ये। आप देख सकते हो कि ये पूरा चेन है, ये आपको यहाँ पे चेन मिलेगा पूरा, और यहाँ पे आपको ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ब्यूटीफुल सा हार्ट मिलता है, है ना, दिल। और ये आपको यहाँ पे एक लॉक मिलेगा, मतलब ताला मिलेगा गाइस, कि आप कहीं चले ना जाओ, तो इसका आपको लॉक करके रखेगा ये आपको। लेकिन बहुत बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी है गाइस, बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं इसका गोल्डन वाला पीस भी आप लोगों को दिखाती हूँ, तो ये देखिए ये गोल्डन वाला है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में, बहुत अमेजिंग लग रहा है गाइस। ये भी सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों पीस एक जैसे हैं, बट एक गोल्डन और एक सिल्वर में है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी, इसमें भी वही चीज है पूरी, और पहनने के बाद ये भी अच्छा लग रहा है, ये देखिए, है ना। तो वो सिल्वर वाला ज्यादा है ना, वो सिल्वर वाला कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये गोल्डन वाला आप कैरी कर सकते हो, बट पता नहीं कभी कौन सी किस ड्रेस पे कैरी हो पाएगा, चलो देखते हैं। अच्छा, वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ।
क्या आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया अब तक या नहीं? अगर नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आपका स्वागत है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बगल में जो बेल आइकन आप लोगों को दिखेगा ना, उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, अब जो मैं दिखाने वाली हूँ वो ज्वेलरी मैं पहनी हुई हूँ। जी हाँ गाइस, मैंने पहनी हुई है ये वाले इयररिंग्स। ये भी मैंने मीशो से मंगवाए हैं और इतनी ब्यूटीफुल वाले इयररिंग्स हैं गाइस। ये इतनी ब्यूटीफुल से ये इयररिंग्स हैं, आप देख सकते हो, वाइट कलर के हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये पर्ल वाला जो इयररिंग्स है वो है पहनने के बाद। अच्छा बताऊँ ना, मेरे फेस के ऊपर ना ये वाले इयररिंग्स ज्यादा अच्छे, मतलब ऐसे वाले हुप ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो भी हुप्स होते हैं वो सारे मेरे फेस के ऊपर ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। विदाउट एक लॉन्ग अच्छे लगते हैं और एक ये हुप अच्छे लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा, आप जानते हो कि हैवी सा है, थोड़ा मोटा बड़ा फेस है, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंग ऐसे इयररिंग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं बजाय छोटे इयररिंग्स के। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल से इयररिंग्स हैं। अच्छा, अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है एक मांग टीका। ये है मांग टीका, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से है। ये मैंने क्यों मंगवाया है? ये मैंने मंगवाया है एक मेकअप लुक के लिए, जो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। अभी तो सामान इकट्ठा करने में लगी हूँ मैं उसके साथ। तो ये है इसका मांग टीका, ये। और ये वो मांग टीका है, आप जानते हो ये कैसा वाला मांग टीका है? ये जो महाराष्ट्रियन वगैरह लेते हैं वो वाला मांग टीका है गाइस। और आप इसकी डिजाइन देखो, अमेजिंग डिजाइन लग रही है गाइस, अमेजिंग। मतलब आप देखो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। हाँ, आप देखते हो यहाँ पे ये पिंक वाले और ये जो ग्रीन वाले हैं, ये स्टोन लगा हुआ है, ये पर्ल है। ठीक है, ये मोती है यहाँ पे, तो अमेजिंग लग रहा है। मैं आपको एक बार लगा के दिखा दूँ, मेरी अभी मांग भी जो है बीच की निकली है तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, वाओ वाओ, कैसा लगा आप लोगों को ये बताओ जरा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जिस लुक के लिए मैंने ये मंगवाया है ना, वो लुक भी बहुत जल्दी आने वाला है। बाकी मांग टीका बहुत अच्छा है, मैंने तो इसको बिल्कुल 5 रेटिंग दी है, पूरी 5 रेटिंग दी है इसको मैंने, बहुत अच्छा है। और प्राइस अच्छा, मैंने ना इस पहली बार मैंने मीशो पे इस जो ये मांग टीका है ना, इसके लिए मैंने शिपिंग चार्ज दिया है। फर्स्ट टाइम मैंने शिपिंग चार्ज दिया है इस मांग टीका के लिए, क्योंकि जितने भी मांग टीका थे उसका प्राइस बहुत ज्यादा जा रहे थे। और ये जो मांग टीका था ना, ये प्राइस में तो कम था बट शिपिंग चार्ज देने के बाद भी उतने मांग टीका के उसमें नहीं जा रहा था, इतना कॉस्टली नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने इसका फर्स्ट टाइम मैंने मीशो पे शिपिंग चार्ज दिया है, वरना मैंने हमेशा फ्री डिलीवरी वाली ही चीजें मंगवाई है, कभी शिपिंग चार्ज नहीं दिया है। फर्स्ट टाइम इसके लिए मैंने दिया है। आप समझ सकते हो ना, एक मेकअप लुक तैयार करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को। तो अगर ये इस मांग टीका के साथ जो मेकअप लुक आए ना, फटाफट से देख लीजिएगा आप लोग, है ना। अभी जो मैं दिखाने वाली हूँ ये एक नेकलेस है, और ये अभी बहुत चला था बीच में, बहुत ज्यादा चला था ये नेकलेस। ये देखिए, ये वाला, ये मिरर वर्क वाला वो है ज्वेलरी, पूरा सेट है ये। ये अब इसके इयररिंग्स हैं और ये इसका पूरा सेट है, मतलब नेक पीस, चोकर बोल सकते हो आप, ये चोकर में भी है ना, चोकर बोल सकते हो आप। क्या हो गया इसको यार, इतना टाइट है ये, मतलब अभी जब खुलने में नहीं आ रहा था, जब मैं पहनूंगी तब कैसे करेंगे ये। एक तो नेल्स, जब ये फेक नेल्स लगा के ना आप कुछ नहीं कर सकते हो यार, कुछ नहीं हो सकता फेक नेल्स लगा के। अच्छा ये देखो, ये है इसका पूरा सेट, है ना, ये आप देख सकते हो चोकर। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ये ना। ब्लैक ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा, ब्लैक साड़ी वगैरह, आप देख सकते हो पूरा मिरर वर्क है ये, पूरा मिरर वर्क है, कुछ गिर गया, चलो छोड़ो। अच्छा ये पूरा मिरर वर्क है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ना पर्ल लगे हुए मोती हैं, सिल्वर ज्वेलरी है, पूरी सिल्वर ज्वेलरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी इसका जो, इसके जो इयररिंग्स हैं ये भी पूरे मिरर वर्क में सिल्वर ज्वेलरी, आप देख सकते हो पीछे से कुछ इस तरीके से। इसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जब आप कुछ भी चीज देखो ना, या फिर आप कोई भी कपड़ा देखो, कोई भी सूट देखो, साड़ी देखो, कुछ भी देखो, उसको बहुत सर्च किया करो, मीशो पे बहुत ज्यादा सर्च किया करो। क्योंकि पता है क्या होता है,
जैसे कि अभी मैं इस दुपट्टे की बात में इस कुर्ते की बात लेके चलूं, तो ये कुर्ता कभी आपको तो ये 500 में मिलेगा, कभी अगर ज्यादा सर्च करोगे तो ये आपको 400 में मिलेगा, कभी आपको 250 में मिलेगा। तो पता है मीशो पे ये थोड़ा सा आपको सर्च ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सर्च मारती हूँ रात को लेटे लेटे, बस यही करती हूँ जो शॉपिंग मुझे मेकअप लुक करने होता है ना उसके लिए, बस मैं यही शॉपिंग करती रहती हूँ रात को, मेरा यही काम है। दिन में मैं अपना काम करती हूँ ये वीडियो की एडिटिंग वगैरह सब कुछ, और रात को मैं अपने लिए शॉपिंग करती हूँ। हाँ जी गाइस, मैं रात को अपने लिए शॉपिंग करती हूँ, ठीक है, मीशो पे या कोई भी ऑनलाइन ऑनलाइन जो भी ऐप है उस पे सब मैं रात को शॉपिंग करती हूँ। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल है और इसका प्राइस भी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। जिस प्राइस मैंने लिया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा साइड में, और अगर वापस से इसका प्राइस बढ़ गया हो तो मैं बोल नहीं सकती, ठीक है। बाकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। तो गाइस ये वाला जो सेट है ना, ये जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये इतना चल रहा है अभी मीशो पे। अब जब भी ज्वेलरी के लिए ज्वेलरी का ऑप्शन डालोगे, मतलब कोई भी ज्वेलरी डालोगे, साड़ी के साथ की ज्वेलरी या कैसे भी ज्वेलरी डालोगे ना, आपको ये ना ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, बहुत जल्दी दिख जाएगा आपको ये वाला सेट। ये वाला नेकलेस है, ये ज्वेलरी आपको मैं ओपन करके भी दिखा रही हूँ। वेट ओपन करके दिखा रही हूँ। OMG गाइस, बहुत अच्छा वाला। और पता है ये जब ऐसे हिलाओ ना तो ये आवाज करते हैं नीचे, मतलब ऐसा लगता है पायल पहन रखी है, ऐसी वाली आवाज है। बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हाथी घोड़े सब है, पाली वाली वगैरह वाला, ये बहुत वाला मतलब बहुत अमेजिंग वाला सेट है। और आप इसको जब पहनोगे तो अमेजिंग लुक निकल के आएगा। तो मैं ना इसके साथ बहुत जल्दी और बहुत अच्छा वाला मेकअप लुक करूंगी। और पीछे से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये पीछे से ना इस तरीके से जो चेन है उस चेन के साथ ये अलग से चिपके हुए हैं, ठीक है, चिपके मतलब अच्छे वाले चिपके हैं, निकल के कहीं भागेंगे नहीं, है ना। और ये आपको ज्यादातर हर कलर में मिल जाएगा, कभी रेड ग्रीन में या फिर रेड रेड में, ग्रीन ग्रीन में। गाइज ये है इसके इयररिंग्स। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ जो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग लेना चाहते होंगे, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहते होंगे। तो मैं आज आप लोगों को ऐसा ही कुछ दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको पता है क्या है वो है ये क्या है, ये है मेकअप ब्रशेस। जी हाँ गाइज, ये मेकअप ब्रशेस हैं। और ये जब से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है, यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया है, जब से वीडियोस बनाती हूँ तब से मेरी ख्वाहिश है, मतलब मेरी सच में ख्वाहिश थी ये कि मैं कुछ इस तरीके से जो पैक्ड वाले मेकअप ब्रशेस हैं वो मैं लूँ, वो मैं यूज करूँ, मेरी तो ख्वाहिश थी। आप लोगों में से कितने लोगों की ये ख्वाहिश है कुछ अच्छे से मेकअप ब्रशेस होने चाहिए, अगर आप मेकअप करना जानते हो या फिर अपना मेकअप स्टार्ट कर रहे हो या फिर कर लिया है, तो अगर इतना आपके पास अच्छा, अगर आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है, आप लोगों के पास मेकअप ब्रशेस नहीं है, बहुत अच्छे वाले मेकअप ब्रशेस ढूंढ रहे हो आप लोग, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, है ना, अफोर्डेबल प्राइस में ढूंढ रहे हो, मस्ट हैव है। मतलब मेरा बहुत टाइम से सपना था कुछ इस तरीके से वाली मैं ब्रशेस की किट लूं, मेरा सपना था, ठीक है। तो मैंने बस ये ले लिया और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। तो आप देख सकते हो ये सारे ब्रशेस हैं इसके, पता है इसमें कितने ब्रशेस हैं, इसमें 24 ब्रशेस हैं। और इसका प्राइस आप लोगों को साइड से दिख रहा होगा बट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कुछ 300 के आसपास कुछ इसका प्राइस है, जिसमें मैंने इसके साथ मुझे वो भी मिले हैं स्पॉन्ज, वो स्पॉन्ज मैंने इस मेकअप लुक में यूज किया है, और स्पॉन्ज अमेजिंग स्पॉन्ज है गाइज, अमेजिंग। वो ब्यूटी ब्लेंडर बोल रही हूँ ना, ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अमेजिंग वाले हैं। ये ब्रशेस हैं, ये आप देख सकते हो, ये मैं आप लोगों को ना इसका, मैं आप लोगों को सिर्फ इस ब्रशेस का ही जो इसके साथ ब्यूटी ब्लेंडर आए हैं उसका मैं रिव्यू आप लोगों को अलग से दूंगी, है ना। ये सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ बट इसका रिव्यू मैं आप लोगों को अलग से दूंगी कि मेकअप ब्रशेस कैसे हैं, कैसे यूज करने चाहिए, क्या है। तो मैं आप लोगों को पहले ये वाला ब्रश दिखाऊं, ये निकाल के सबसे अलग चमक रहा है ये वाला और ये है ना। तो ये देखिए ये वाला जो ब्रश है इसके जो ब्रशेस है ना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। अब देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगी, कम प्राइस में अगर आप लोगों को कोई चीज मिल रही है तो गाइस ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बेकार वाली चीज है, आप यूज कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेकअप ब्रशेस लेना चाह रहे हो ना तो आप यूज कर सकते हो, अच्छे वाले मेकअप ब्रशेस हैं। मैं इसका रिव्यू बहुत जल्द शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेकअप आर्टिस्ट के जो ब्रश होते हैं ना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही वाले ब्रश लग रहे हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का मीशो हॉल, और ये थी मेरी ज्वेलरी, सारी जितनी मैंने ज्वेलरी मंगाई है, इयररिंग्स मंगाए हैं, सब आपके साथ शेयर किए हैं। तो
तो आप लोगों को कौन सी ज्वेलरी, कौन सा नेकलेस या फिर कोई इयररिंग्स जो अच्छे लग रहे हैं, ये वाले भी इयररिंग्स काफी अच्छे लग रहे हैं, तो कोई भी अगर ज्वेलरी आप लोगों को अच्छी लग रही है मुझे कमेंट डाउन कीजिए कि आप लोगों को कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगी, या जो मेकअप ब्रशेस मैंने दिखाए हैं वो भी अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिए, मुझे पता लगे कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा है क्या अच्छा नहीं लगा है। तो गाइस ये था मेरा आज का मीशो हॉल, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, उसके लिंक मैंने दे रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।